ऐसी फोटोज को देखकर हमें इंस्पायर्ड नहीं फील करना चाहिए, ऐसी फोटोज को देखकर हमें सैड फील करना चाहिए कि देश में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ना पड़ता है। ना चाहो तो अगर एजाज खान के बारे में इतनी आपने बहुत यार की वीडियो बनाई, लेकिन इतने हद तक नीचे गिरना बहुत गलत था। मैं तो वेलकम बैक दोस्तों, तो फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो उससे पहले लाइक कर दो फटाफट। तो फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट अपडेट है ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को एक वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो एक पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज है द फेट मीमर, जो कि मीम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट करके दिखाया कि उनका अकाउंट इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया कि ध्रुव राठी की टीम की तरफ से उनको स्ट्राइक आई, क्योंकि उन्होंने ध्रुव राठी के रिगार्डिंग AI मीम क्रिएट किया। और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ उसमें था भी नहीं, वो सिर्फ सिंपल और हार्मलेस मीम था, उसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था, जैसे कि जर्मन शेपर्ड वर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं बोले गए थे, सिर्फ सरकेज़म था। लेकिन फिर भी ध्रुव राठी इससे ऑफेंड हो गए और उन्होंने उनकी टीम से रिक्वेस्ट भी किया वो आगे से कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन टीम ने बोला कि आप डायरेक्टली ध्रुव राठी से ही बात करो। और उन्होंने बताया कि मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूं और मेरा घर इसी से चलता है। इवन दो वो कहे कि ध्रुव राठी से जुड़े हुए सारे कंटेंट को वो हटा देंगे, लेकिन फिर भी उनकी टीम नहीं मानी। वो इसके रिलेटेड स्क्रीनशॉट भी दिखाए जिसमें साफ साफ लिखा है ध्रुव राठी। तो आप लोग क्या सोचते हैं यार, बताना जरूर। तो नेक्स्ट अपडेट है हर्ष बेनीवाल वर्सेस अजाज खान कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का कल मैच था और इसके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन किए गए, जिसमें से उनसे अजाज खान के बारे में भी पूछा गया। तो वो क्या बोले, एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हो। और बाकी आज की तैयारी कैसी है? एलविन भाई से बात हुई, मतलब क्या है? नहीं भी कोई बात नहीं हुई, मैच के बाद बात करेंगे अभी। भाई अगर आप बात करना चाहो तो अगर एजाज खान के बारे में इतनी आपने बहुत यार की वीडियो बनाई, लेकिन इतने हद तक नीचे गिरना बहुत गलत था। मैं आपको बोलूंगा कि आई गेस हम ECL पे टॉपिक पे बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरी टीम ने मना करा कुछ भी बोलने के लिए। तो पुनीत सुपरस्टार नेक्स्ट गेस्ट होने वाले हैं इंडियाज गोट लेटेंट में। उनका एक वीडियो भी लीक हो चुका है, वो आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा एक इंटरव्यू में पुनीत सुपरस्टार ने बताया कि बिग बॉस 18 में भी वो जा सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। बिग बॉस में जाने के चांसेस हैं आपके? भाई अभी मैं आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिला था, मैं उनका नाम ले लूंगा, तो उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हें बुलाने की सोच रहे हैं वो, तो भाई अगर जाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। हाँ, काफी टाइम से सोच रहे हैं वो बुलाने की, अभी इससे पिछले सीजन में भी वो चाह रहे थे बुलाने की, लेकिन किसी वजह से नहीं बुलाया, तो 99% कंफर्म है। नेक्स्ट अपडेट है किंग वर्सेस एमवे एंड मनिंदर बुट्टर के बारे में। तो इनकी कंट्रोवर्सी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी, तो इसके रिलेटेड मनिंदर बुट्टर अगेन स्टोरी शेयर किए, जिसमें वो बताए आई नेवर टारगेट एनी कम्युनिटी और कल्चर, ये बहुत गलत है। वी आर आर्टिस्ट एंड आर्ट का कोई धर्म नहीं होता है, टैलेंट ना अमीर ना गरीब कुछ भी नहीं देखता, सो आर्टिस्टिक फील्ड को आर्ट से ही कनेक्टेड रखना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी से। लस्सी कहना पंजाबियों नो इज वेरी रॉन्ग, एदा रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। आई सी एवरी रिलीजन एंड कम्युनिटी एज ए ह्यूमन, बट टारगेटिंग इज रियली रॉन्ग। हुन दस दया फिर लस्सी की हुंदी आ। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हम 2 लाख के बहुत ज्यादा करीब है।